5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई हैं। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट, ये दिखाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों का कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा
कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं G20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।